और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह पिछले 5 दिनों से लापता हैं और दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर जांच आगे की शुरू कर दी है। 22 अप्रैल से एक्टर गुरुचरण सिंह लापता हैं। आपको बता दें कि इस बीच एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें गुरुचरण सिंह पैदल जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 22 अप्रैल की रात 9:14 का बताया जा रहा है। ये वीडियो दिल्ली के पालम इलाके का है। सीसीटीवी में गुरुचरण सिंह के पीठ पर एक बैग है और वो कहीं जाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये 22 तारीख का बताया जा रहा है वीडियो और तभी से गुरुचरण सिंह लापता बताए जा रहे हैं। 22 अप्रैल के रात 9 बजे का यह वीडियो है दिल्ली के पालम इलाके का। हालांकि अब पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज कर आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोढ़ी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह पिछले 22 अप्रैल से लापता है। आखिर कहां है तारक मेहता के सोढ़ी, ये एक बड़ा सवाल है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें गुरुचरण सिंह अपने पीठ पर एक बैग लेते हुए रात के 9:14 पर दिल्ली के पालम इलाके से गुजरते हुए नजर आए हैं। आखिर कहां पर गए हैं इनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल सका है। ये वीडियो 22 अप्रैल की रात 9:14 का बताया जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया क्योंकि दिल्ली के पालम इलाके में वो आखिर बार नजर आए थे। इसके बाद आखिर वो कहां गए हैं 22 अप्रैल के बाद, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये देखिए गुरुचरण सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पैदल पैदल कहीं जा रहे हैं, पीछे बैग टांगे हुए हैं। हालांकि कहां पर गए हैं ये अभी पता नहीं चल सका है, उनकी तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। Zee News.